हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले निपटास टेबलेट्स के बारे में। निपटास टेबलेट्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिन यूज करते हैं, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, किस प्रकार काम करता है, उसका डोज और डोसेंस कितना होना चाहिए। तो निपटास 100 टेबलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किया, अभी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। शुरू करते हैं निपटास टैबलेट, जो कि हमारे ऊपर 14 गोली का स्ट्रिप है, जिसकी एमआरपी की बात करें तो उसकी एमआरपी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास स्ट्रिप है उसकी एमआरपी 113.37 यानी कि 113 रुपये करीब इसकी एमआरपी है। निपटास टैबलेट्स को इंतास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। निपटास टैबलेट्स के अंदर इंग्रीडियंट्स की बात करें तो इसके अंदर इंग्रीडियंट्स है नाइटोफ्यूरोन्टोइंस 100 mg टैबलेट्स। निपटास टैबलेट्स का यूज़ के बारे में बात करें, इसका इस्तेमाल मूत्र मार्ग में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के इलाज और रोकथाम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि टेबलेट ट्रीटमेंट करती है मूत्र मार्ग में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के इलाज के लिए ये टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। निपटास टेबलेट्स पेशाब में मूत्र मार्ग के इन्फेक्शनों के लिए उत्तरदायी बैक्टीरिया की वृद्धि को रोककर काम करता है। ये टेबलेट्स का इस्तेमाल कम पेशीदा वाले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के इलाज और रोकथाम के लिए ये टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। निपटास टेबलेट्स का डोज और डोसेंस की बात करें तो उसका डोज और डोसेंस आपकी एज, वेट और कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, वेट कितना है, कंडीशंस कैसी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डोज और डोसेंस कितना होना चाहिए। उसका डोज और डोसेंस अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। निपटास टेबलेट्स के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स, यानी कि निपटास टेबलेट्स के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट में आपको हो सकता है मिचली आना, उल्टी होना, डायरिया, दस्त होना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो निपटास टेबलेट्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। निपटास टेबलेट्स किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क निपटास टेबलेट्स। निपटास टेबलेट्स के अंदर जो दवाई रहती है यानी कि नाइटोफ्यूरोन्टोइंस 100 mg टेबलेट्स, वो एक एंटीबायोटिक्स दवाई है। ये मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारकर काम करता है। निपटास टेबलेट्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन, फैमिली डॉक्टर या यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस टेबलेट्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से निपटास टेबलेट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। निपटास टेबलेट्स के बारे में कुछ भी डाउट तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल आई डी है वहाँ पर बताइए। निपटास टेबलेट्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज और नॉलेज के लिए था। कोई भी टेबलेट्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।